आपने आज के वीडियो का टाइटल देख लिया है। वादा करता हूं आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगवा दूंगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से कोई कार्य करते हैं, वह कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता। भगवान उस चीज़ का फल हमें ज़रूर देते हैं जब हमारे मन की सच्ची आस्था हो और भगवान में हमारा पूर्ण विश्वास हो। हमें इस बात का भी पता है कि लाखों सब्सक्राइबर हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं कि हम उनके कुछ काम आ सकें, उनके लिए ऐसे उपाय लेकर आएं जो उनकी दुकानदारी में उनको लाभ दे सकें। पंडित नितिन शास्त्री और ज्योतिष मिराकल दोनों YouTube परिवार के मिलाकर लगभग हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और कहीं ना कहीं उन भक्तों का हमारे ऊपर अटूट विश्वास है और हमारी भी मेहनत, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आपके लिए हम अच्छे अच्छे उपाय लेकर आते रहें। आज मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं, हमारे जो भी ऐसे भक्त हैं जिनकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती, आज का यह एपिसोड आप पूरा देखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा जिसको करने के बाद आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे भक्त जनों, एक बार फिर से आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर मैं स्वागत करता हूं। अब हम बात करने वाले हैं उन भक्तों के बारे में जो लगातार हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारी दुकान नहीं चलती, हम क्या करें। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह से आप समझिए कि समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। अगर आपकी दुकान नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, घबराएं मत। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय लेकर आता रहूं और मुझे बताने में बेहद खुशी भी हो रही है कि जिन भक्तों को हम उपाय बताते हैं, माता रानी की कृपा से उपाय करने से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भी सच्चे मन से उपाय करते रहें, आपको भी देवी भगवती की कृपा से रिजल्ट जरूर मिलेगा। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी दुकान ना चलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या ऐसी वजह होती है कि हमारी दुकानदारी ठप पड़ जाती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जब दुकान में नज़र का दोष बनता है। मान लीजिए हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और कोई ऐसे व्यक्ति हमारी दुकान में आने शुरू होते हैं जो कहते हैं कि वाह भाई साहब, आपकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है। जब आपको एक सप्ताह में 2-3-4 व्यक्तियों के मुख से ऐसी बात सुनने को मिल जाए कि वाह आपकी दुकान तो बहुत शानदार चल रही है, कोई भी ऐसा जो जानबूझकर या आपसे ईर्ष्या करता है बार बार ये बात कहेगा बहुत अच्छी दुकान चल रही है, तो बार बार ये
चीज रिपीट होने के कारण कहीं ना कहीं नजर का दोष दुकान में बनने लगता है, क्योंकि नजर का दोष एक ऐसा दोष होता है जो मजबूत से मजबूत पत्थर को भी फोड़ देता है, तो उसके सामने हमारी दुकान का तो क्या ही कहना। जब दुकान में भयंकर नजर दोष बनता है तो दुकान एकदम से चलनी ठप हो जाती है। अगर हमारी दुकान बहुत अच्छी भी चल रही थी तो नजर लगने के बाद हमारी दुकान एकदम से रुकनी, एकदम से चलनी बंद हो जाती है। हमारी दुकान में इक्का दुक्का कस्टमर भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। ऐसा होता है नजर दोष के कारण। अब हम बात करते हैं अगला क्या कारण हो सकता है हमारी दुकान ना चलने का। जब जानबूझकर किसी ने आपकी दुकान पर कुछ किया कराया, कोई टोटका करवा दिया है, तब भी चलती हुई दुकान रुक जाती है। कोई आपका शत्रु हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है जो आपसे मतलब ईर्ष्या करता हो, जो आपके चलते हुए काम को देखकर जिसको खुशी ना होती हो, क्योंकि आज के टाइम में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरे के चलते हुए काम पर तंत्र मंत्र करवा देते हैं, कोई टोना टोटका करवा देते हैं, जिसके कारण एकदम से दुकान नहीं रुकती। दुकान किसी किसी दिन तो बहुत अच्छी चलती है, किसी किसी दिन दुकान बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आता, और धीरे धीरे करके एक दिन दुकान में बिल्कुल ही ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी दुकान पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र, कोई टोना टोटका करवा दिया है। अगर एकदम से आपकी दुकान ठप पड़ गई है तो ये टोना टोटका नहीं है, ये नजर का दोष है। अगर धीरे धीरे करके आपका काम फ्लक्चुएट हो रहा है और फिर एकदम से आपका काम बंद हो गया, ये है किसी ने आपकी दुकान पर कोई टोना टोटका करवा दिया है। अब बात करते हैं अगला कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कारण हमारी अच्छी दुकानदारी कम होने लगती है। कई बार हम खुद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण हमारी अच्छी खासी चलती हुई दुकानदारी रुक जाती है। जब हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है, हमारा काम बहुत शानदार चल रहा होता है, तब कई बार हमारे खुद के मन में थोड़ा अहंकार, थोड़ा ईगो आने लगता है और हम अपनी बढ़ाई हर किसी से करने लगते हैं। अरे मेरी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, मेरी दुकान में तो दिन में लाखों की सेल होती है। जब बार बार हर किसी के सामने आप अपनी दुकान की शेखी बधारते हो, अपने काम की शेखी बधारते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपकी दुकान पर वास्तु दोष को बनाता है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपनी आय, अपनी इनकम या आपके पास कितना पैसा कहाँ से आता है, इसको अगर आप हर किसी के सामने बताओगे तो लक्ष्मी माता आपसे रूठ जाती हैं और आपकी अच्छी खासी चलती हुई दुकानदारी भी ठप पड़ने लगती है। इसलिए अगर आपकी दुकान अच्छी चल रही है तो हर किसी के सामने शेखी बधारने की आवश्यकता नहीं है आपको। केवल उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि भगवान आपकी इतनी कृपा के लिए आपका बारंबार मैं शुक्रिया करता हूं। बात करते हैं अगला ऐसा कौन सा कारण होता है जिसके कारण हमारी अच्छी खासी चलती हुई दुकान ठप पड़ जाती है। प्यारे बंधुजनों, कई बार हमारी, जैसा कि मैंने बताया, कुछ हमारी खुद की ऐसी गलतियां होती हैं, कुछ हमारे नैतिक ऐसी कर्तव्य होते हैं जिनका हम पालन नहीं करते। दुकान खोलने का सही समय नहीं है, दुकान बढ़ाने का सही समय नहीं है, ग्राहकों से डील करने में आप कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, ग्राहकों को सही से हैंडल नहीं करते, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपकी दुकान का जो कार्य है वो कम होने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब आपके व्यवहार के कारण ही आपकी जो अच्छी खासी दुकानदारी है वो
ठप पड़ने लग जाती है। इसलिए दुकानदारी का एक असूल है, अपने व्यवहार को इतना मीठा बनाएं कि जो ग्राहक एक बार आपके साथ जुड़ गया वो लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा रहे। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि खुद ब खुद उस ग्राहक को आपकी दुकान तक आपका व्यवहार खींच कर लेकर आता रहे। तो ये तो हमने कुछ बात की कि क्या कारण होते हैं जिनके कारण दुकान नहीं चल पाती। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे महाशक्तिशाली टोटके जिनको करने के बाद आपकी दुकान में किसी भी प्रकार का कोई दोष, कोई नजर किया कराया वो सब समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहला टोटका, यह टोटका शनिवार की रात को आपको करना है। शनिवार की रात जब सूर्य छिप जाए, आपने एक नींबू लेकर उस नींबू को अपनी एक नींबू लेकर उसमें दो लौंग लगा दें और उस नींबू को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपनी दुकान में घुमा दें। अब आप किसी चौराहे पर जाएं, इस नींबू को 4 हिस्सों में काट लें और एक एक हिस्सा चौराहों के सभी दिशाओं में फेंक कर आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लगातार 3 शनिवार ये उपाय आपने कर देना है, आपकी दुकान बहुत ही जल्द अच्छी चलने लग जाएगी। महाशक्तिशाली उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इन उपायों का जो रिजल्ट है वो भी तुरंत प्रभाव से आपको देखने को प्राप्त होगा। प्यारे दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए एपिसोड बनाते हैं, एपिसोड को देखने के बाद ज्यादा से ज्यादा उस एपिसोड को शेयर भी जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के दूसरे सबसे महाशक्तिशाली उपाय के बारे में। यह उपाय भी शनिवार को ही आपको करना है। शनिवार की शाम को सूर्य के छिपने के बाद आपने सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्म वृक्ष, मेरी दुकान शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी चलने लग जाए, आपसे मैं प्रार्थना करता हूं। ये तेल के दीपक वाला उपाय आपने 9 शनिवार तक करना है। देखिएगा कितना जल्द आपका काम पुनः से अच्छा होने लग जाता है। साथियों, मैं फिर आपको बता रहा हूं, एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली मैं उपाय आपको बता रहा हूं। इन उपायों को जिस जिसने भी सच्चे मन से कर लिया उसकी दुकान में दोबारा फिर ग्राहकों की कमी नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे एक ऐसे महासिद्ध शक्तिशाली उपाय की जो बड़े बड़े तपस्वियों ने, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इस उपाय का बखान किया है। अगर किसी भी प्रकार से आपकी दुकान नहीं चल पा रही है तो यह उपाय मंगलवार को आपको करना है। मंगलवार के दिन आपने चमेली का तेल और थोड़ा हनुमान सिंदूर, जी हाँ, नारंगी रंग का जो सिंदूर होता है वो आपने लेना है। चमेली का तेल और सिंदूर लेकर किसी भी बालाजी के मंदिर में जाएं, वहां पर जो तेल है और जो सिंदूर है हनुमान जी को अर्पण करना है। वहां पर हनुमान जी की जो सिंदूर वाली प्रतिमा है वहां से अपने मस्तक पर तिलक लगाना है, हाथ जोड़कर बालाजी से प्रार्थना करनी है कि हे बालाजी, आप सभी दुष्टों का संहार करने वाले हैं, भूत प्रेतों को भगाने वाले हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी दुकान में जो भी अड़चन है उस अड़चन को आप तुरंत प्रभाव से दूर करें। यह उपाय केवल एक मंगलवार ही आपको करना है और देखिएगा अगला मंगलवार आने से पहले बालाजी की कृपा से आपकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। अब तक मैंने 3 महाशक्तिशाली उपाय आपको बता दिए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से विनती है, अगर आप पहली बार ज्योतिष मिराकल चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि धर्म कर्म व्रत तीज त्योहार पूजा पाठ से जुड़ी सबसे शुद्ध जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। प्यारे दर्शकों, एपिसोड को शेयर भी जरूर करना है ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मेहनत करते रहें।
अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज का जो फोर्थ उपाय है, इस उपाय को एक बेहद महाशक्तिशाली सिद्ध उपायों की श्रेणी में रखा गया है। यह उपाय मंगलवार के ही दिन आपको करना है। मंगलवार के दिन एक लाल रंग का धागा लेकर उसे आप हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने उस धागे को रखकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद हनुमान जी के चरणों से उस धागे को स्पर्श करवाएं और बालाजी से प्रार्थना करें कि हे बालाजी, इस धागे के अंदर अपनी शक्ति प्रेषित करें और इस धागे को मैं अपनी दुकान पर स्थापित करूंगा, वहां पर आप हमेशा मेरी रक्षा करना। अब इस धागे को आप अपने साथ दुकान पर लेकर आ जाएं और दुकान का जो शटर है उस शटर पर अंदर की तरफ इस लाल धागे को आपने ओम हम हनुमते नमः बोलते हुए मंगलवार के दिन बांध देना है। याद रखिएगा, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, रामा अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो जी कल्याण सीताराम, सियावर राम चंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय। बोलते हुए इस धागे को दुकान के शटर पर बांध देना है। बालाजी की कृपा से आपकी दुकान में बुरी शक्तियां कभी भी नहीं घुस पाएंगी और आपकी दुकान का काम दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधुजनों, चार ऐसे बेहतरीन महाशक्तिशाली उपाय मैंने आपको बताए, जो कभी भी आप कीजिएगा आपको तुरंत प्रभाव से इन उपायों का रिजल्ट प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पांचवें बेहतरीन महाशक्तिशाली सिद्ध उपाय के बारे में। साथियों, अगर आपकी दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, अब बिल्कुल भी नहीं चलती, तो ये खास उपाय मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर आया हूं। कुछ इस प्रकार है यह पांचवा उपाय। सात अनाज यानी कि सत अनजा जिसको बोलते हैं, एक काले कपड़े में सत अनजा बांधकर आप इस सत अनजे को अपनी पूरी दुकान में शनिवार के दिन सात बार उल्टा घुमाएं। उसके बाद आप जो शनि का दान लेते हैं उनको ये काले कपड़े समेत सत अनजा जो है वो दान कर दें। अगर कोई शनि का दान लेने वाला आसपास नहीं है तो शनि देव के मंदिर में शाम के टाइम इस सत अनजे को आप रखकर आए, शनि देव से प्रार्थना करें, हे शनि देव आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरी दुकान की बरकत को बढ़ाओ, मेरी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो, इसके लिए आज शनिवार के दिन यह मैंने सत अनजे का दान किया है। भगवान शनि देव की कृपा से आपकी दुकान ग्राहकों से फुल हो जाएगी। प्यारे दर्शकों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के अगले सबसे महाशक्तिशाली छठे उपाय के बारे में। यह उपाय आपने करना है शनिवार की शाम को। शनिवार की शाम को आपने सरसों का तेल एक बोतल ले लें, सरसों के तेल की छोटी बोतल जो 200-250 ग्राम के आसपास होती है, इस बोतल को अपनी दुकान में शाम के 7:30 बजे के आसपास दुकान के किसी भी कोने में आधे घंटे के लिए रख दें। अब इस बोतल को अपनी पूरी दुकान में 9 बार उल्टा घुमा करके किसी भी शनि मंदिर में इस तेल की बोतल को रखकर आ जावें और इस बोतल को रखते समय शनि देव से प्रार्थना करें कि हे शनि देव, मेरी दुकान में अगर कोई भी बुरी चीज थी, कोई भी नेगेटिविटी थी, तो आज के बाद वह नेगेटिविटी मेरी दुकान से बाहर हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। यह बोलते हुए जो सरसों का तेल है वो शनि देव के पास वहां पर रखकर आ जावें।
अगला शनिवार आने से पहले पहले रिजल्ट आपके सामने होंगे और आप देखिएगा आपकी दुकान किस तरह से दौड़ने लगती है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।